हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है फूड एंड क्रिएटिविटी। और बहुत दिनों बाद आपका दोबारा से दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज़ माइंड मत कीजिए, मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली। आज आपके लिए बहुत ही ईजी, क्विक एंड ईजी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि है होम मेड पॉपकॉर्न। और उसके लिए हमें चाहिए होंगे बस चार इंग्रेडिएंट, जो कि हैं मक्का, किराना स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं, आधा चम्मच नमक है और आधे से थोड़ा कम हल्दी है। और उसी के साथ हमें बस इतना सा घी चाहिए होगा। अगर आप बटर में बना रहे हैं इसे मक्खन में, तो फिर आपको घी में वो उसमें वो डालने की ज़रूरत नहीं है नमक, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक होता है। और मैं इसे घी में बना रही हूँ क्योंकि जो भी घर में चीज़ें हैं हम उसी से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। ऐसे हम एक कुकर या फिर कोई भी पैन या फिर कोई गहरा बर्तन, जो कि पतीला हो या फिर कढ़ाई हो, आप कुछ भी अच्छे से लेके हीट कर लें उसे। और उसके बाद इसमें हम घी ऐड करेंगे। देखिए हमने घी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें हल्दी और नमक डाल के थोड़ा सा भूनेंगे और फटाफट इसमें कॉर्न डालेंगे। और उसके बाद इसकी लिड लगा के या कोई भी एक ढक्कन लगा के हम इसे हल्की आंच पर बनाएंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं, लेकिन हल्की आंच पे बहुत अच्छे से पॉप होते हैं। और जब आवाज़ आना बंद हो जाती है इसका मतलब पॉपकॉर्न तैयार है। बहुत ही ईजी रेसिपी और बहुत टेस्टी है। चलिए और आगे की चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। बस अब हम इसमें अपना पहले नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हल्दी को जलने से बचाएगा। नमक ऐड करने के बाद इसमें हल्दी ऐड कर देंगे अपनी और अच्छे से इसको फटाफट से भून लेंगे और हल्की आंच रखेंगे, क्योंकि हल्दी जलने का डर रहता है। इसी के साथ हम इसमें अपने पॉपकॉर्न ऐड कर देंगे, मक्का, और इसे हल्की ही आंच पे बनाना है। तेज़ आँच पे ये जल जाएंगे या फिर कच्चे रह जाएंगे, अनइवन पकेंगे। ये इवनली एक जैसे बने इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा ऑयल इसमें इतना ज़्यादा हो कि ये सब इससे अच्छे से कवर हो रहे हो। कम घी होगा, कम मक्खन होगा, तो फिर ये पॉप नहीं हो पाएंगे। बस अब इसे हल्की आँच पे रखेंगे और ढक्कन लगा देंगे। देखिए ऐसे एक ढक्कन लगा दीजिए जो पूरा कवर है। आप देख पा रहे होंगे इसमें अभी अच्छे से बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बस अब ये हल्की आंच पे ही रखिएगा इसको, और इसे लिड से कवर कर देंगे। कोई भी ढक्कन हम इसमें लगा देंगे और देखते हैं फिर जब ये तैयार होता है, फिर मैं आपके साथ इसका आगे का शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी आवाज़ शायद सुन पा रहे हों, ये अच्छे से पॉप हो रहा है। बस एक बार हम इसे उठा के थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जो भी, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको ये कैसे अच्छे से पॉप हो रहे हैं अच्छे से। इसे बंद कर देती हूँ, अभी फ़िलहाल इसमें है। तो ऐसे ही आप इसको हल्की आंच पे रखेंगे और आप इसका साउंड सुनिए, है ना। तो बस अब ये अच्छे से पॉप हो रहे हैं और जब इसमें से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी हम इसे सर्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये इसमें से आवाज़ आनी बंद हो गई है। क्या अरोमा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और आप देखिए सब इवनली पक गए हैं, कुक हो गए हैं अच्छे से। चलिए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितने सुपर्ब और यमी बने हुए हैं, बिल्कुल सारे ही अच्छे से फूले हुए हैं और सब पे अच्छे से हल्दी और नमक की कोटिंग हो चुकी है। और देखिए आप इसका भी देख लीजिए कुकर का हाल, ये कहीं से जला नहीं है, इसका मतलब है ये बिल्कुल भी कहीं से नहीं जले हैं और सारे ही इवनली कुक हुए हैं। और ये रही आपके साथ एक छोटी सी वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों से भी करवाएँ। मेरे चैनल का नाम है फूड एंड क्रिएटिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।